नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक के ऊपर, यस बैंक और जोमेटो। दोस्तों जहां पे जबरदस्त तेजी बन रही है और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यस बैंक में दोस्तों जबरदस्त तेजी बनी है, 17.15% की तेजी बनी है आज, 12% के आसपास की तेजी। और पिछले एक महीने से जब से रेकमेंड करना स्टार्ट किया है दोस्तों, तब से भाग रहा है स्टॉक, बहुत ही बढ़िया भाग रहा है। पर दोस्तों अब सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्यों सतर्क हो जाने की जरूरत है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे यस बैंक में दोस्तों। यस बैंक भागा किस लिए, तो दोस्तों आप सबको पता है कि दोस्तों जो बोर्ड का जो कार्डलेस का जो डील था एडवांस का, उसको दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि सुनील कॉल एंड श्वेता जलन लाइकली नॉमिनी फॉर अ कार्डले बोर्ड में दोस्तों उनका नॉमिनी हो जाएगा। तो दोस्तों एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। और आज दोस्तों स्टॉक ने जो बड़ा लेवल था दोस्तों 61.8% का रिट्रेसमेंट का, वो बना था दोस्तों स्विंग लो, जो हम स्विंग हाई हमारा था 11 दिसंबर 2020 का, और स्विंग लो था दोस्तों वो था 23 अगस्त 2021 का। दोस्तों दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा लेवल निकल रहा था दोस्तों वो था 61.8% का। दोस्तों जब से दोस्तों हमने एंट्री तब से ली है जब से दोस्तों वापस से 23.6% का रिट्रेसमेंट तोड़ा और दोबारा हमने एंट्री ले ली, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था, फिर थोड़ा स्टेडी मूवमेंट रहा, बट उसके बाद जबरदस्त बड़े बड़े महारथी का दोस्तों काम किया। आज तो जबरदस्त वॉल्यूम दिखाया स्टॉक ने और आरएसआई अब दोस्तों 80 हो चुका है। आरएसआई के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है हमें 16.87 के लेवल के बाद का। तो वो बहुत टाइम पहले दोस्तों ये लेवल बना था और वो लेवल था दोस्तों 30 मार्च 2021 में, और दोस्तों मार्च 2021 में बड़ा रेजिस्टेंस था ये, और उसको बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों एक भी बार बीच में आया नहीं था स्टॉक यहाँ पे टच करने के लिए, बट आज वॉल्यूम के साथ तोड़ने के बाद अब देखिए आरएसआई का इम्पैक्ट समझते हैं दोस्तों। अब आरएसआई देखिए दोस्तों 70-80 के आसपास है, तो दोस्तों थोड़ी गिरावट तो आने वाले टाइम बना सकता है, क्योंकि दोस्तों पहले 82 के आसपास था तो दूसरे एक दो दिन में गिरावट बनाई थी दोस्तों। बट आज बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है तो कुछ अलग होता है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। बट दूसरा कि दोस्तों पहले भी दोस्तों गया था 7 अप्रैल 2022 में, तब आरएसआई 78 का था और फिर वहां से तो बहुत लंबी गिरावट हुई थी। और ऐसे वॉल्यूम के साथ दोस्तों पहले भी गया है स्टॉक, ऐसा नहीं है कि आज ही गया है, तो पहले भी ऐसे 91 करोड़ का वॉल्यूम बना था, तब दोस्तों दूसरे दिन गिरावटी आई थी। तो इसका मीनिंग ये है दोस्तों, जब भी ऐसे बड़े टॉपिंग वॉल्यूम बने हैं उसके बाद कंटिन्यूअस हमें दूसरे दिन गिरावटी मिली है, तो कल के दिन आपको सतर्क रहना है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और दोस्तों जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है अभी तक, तो वो दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो न्यूज के ऊपर का रैली था वो अब खत्म हो चुका है दोस्तों। अब लेवल को तोड़ दिया है, बट ये जो मैंने चार्ट का लेवल है, ये वीकली चार्ट का हमने लेवल ड्रॉ किया है, तो दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर एक दो दिन के लिए तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर ये जब ब्रेकआउट देगा तब दोस्तों और तेजी बन सकती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों जोमेटो के ऊपर। दोस्तों जोमेटो तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा है, क्योंकि दोस्तों वो स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया हालत खराब हो गया था इस स्टॉक का, बट आज अपर सर्किट में आया है। बहुत ही शॉकिंग बात है दोस्तों कि स्टॉक अपर सर्किट में कैसे आ गया दोस्तों, क्योंकि कोई लोगों को भरोसा ही नहीं बनेगा दोस्तों। पूरा लोग बोल रहे थे कि इसको बेच दो बेच दो बेच दो, और क्वार्टर पर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा और सीधा अपर सर्किट में अपने आप को प्रूव कर दिया दोस्तों। ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों 52 करोड़ स्टॉक्स दोस्तों ट्रेडेड हुए हैं, और क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 52 करोड़ के दोस्तों क्वांटिटी ट्रेड हुई, और डिलीवरी क्वांटिटी है 19 करोड़ 44 लाख दोस्तों, बहुत ही ज्यादा है, 37.12% का है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों एक साल के अंदर तो दोस्तों नेगेटिव रिटर्न ही है, बट दोस्तों अब पिछले 5 दिनों में दोस्तों पॉजिटिव रिटर्न आए, बाकी दोस्तों एक मंथ में कोई ज्यादा नहीं था। बहुत ही बड़ा डिप्स बना था दोस्तों, 41 का लो बनाने के बाद स्टॉक ऊपर आया है दोस्तों। डिलीवरी परसेंटेज की भी अगर बात की जाए तो दोस्तों 1 अगस्त में आप देखेंगे 38.2% का डिलीवरी परसेंटेज था, आज का 37.3 है, 29 जुलाई का भी वही था दोस्तों। तो पिछले 2-3-4 दिनों से दोस्तों अच्छे डिलीवरी बेस्ड बाइंग बन रही है काफी टाइम से, जब से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट के बाद ऊपर आना स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि जोमेटो में हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा जोमेटो का चार्ट है, और ये हमारा दोस्तों डेली चार्ट है, और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम प्रोबेबली हमें दिख रहा है, और पिछले कुछ टाइम के अंदर जबरदस्त हमें वॉल्यूम दिख रहा है दोस्तों। बट आप सबको एक चीज बता दो दोस्तों कि ये नीचे से दोस्तों बाय हो रहा है और नीचे से आ रहा है दोस्तों, तो मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा कि दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर या डेली चार्ट के ऊपर कहीं पे भी तब तक बाय मत करो जब तक दोस्तों एक बार वो
स्टॉक अब तो काफी बढ़ चुका है दोस्तों, एक मंथ के अंदर दोस्तों। तो ये जो लेवल है 70 का दोस्तों, और आईपीओ का प्राइस का लेवल है 76 का, तब तक वो क्रॉस ना करे तब तक अभी उसको लेने की कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 55 पे हम बाई करते हैं दोस्तों तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा अब सपोर्ट लेवल बनेगा 40 का, जो पैनिक लो बनाया है, और टारगेट आप 70 का रख सकते हैं वो, बट दोस्तों टारगेट और यहाँ पे नहीं बनता है दोस्तों। और बीच में आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस हमें दिखा था 61 के आसपास, तो अब देखना ये है कि ये रैली जो बनी है वो काफी अच्छी रैली है दोस्तों, कब जाके रुकती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये स्टॉक को रैली के लिए आपको बाय नहीं करना चाहिए। मैंने काफी स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आप ले सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होने की वजह से आपको ये स्टॉक को अभी टेम्पररी अवॉइड करना चाहिए। अभी दोस्तों अगर डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI इतना बड़ा नहीं है, तो मे बी कि ये जो है कंटिन्यूस कल हो सकता है, कल अपर सर्किट हमें को देखने को मिल सकता है, और बहुत ही बढ़िया फिर कल अपर सर्किट लगती है। तो दोस्तों आज देखिए दोस्तों कितने रुपए का गैप मिला है हमें, ऑलमोस्ट 8 से 9 रुपए का मिला है, कल भी 10-11 रुपए का रहेगा। तो दोस्तों 61 का जो लेवल है वो क्रॉस ओवर होता हुआ दिखेगा, अगर मौका मिलता है, और 70 का और 76 के बीच जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और उसको क्रॉस करता है तो फिर दोस्तों आने वाले टाइम में अच्छा रह सकता है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है तो थोड़ा वेट करना चाहिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद मित्रों।